हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षराज और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बालसम के सीडलिंग को कैसे ट्रांसप्लांट करें। बालसम का जो सीडलिंग है जिसे मैंने रिपोर्टिंग किया था, वो सभी देखिए कितना हेल्दी है और ये काफ़ी बड़े हो चुके हैं। अब मैं इसे ट्रांसप्लांट करूंगा बड़े साइज़ के पॉट में। जो जेड प्लांट का कटिंग मैंने ग्रो किया था उसके बाद फिर मैंने रिपोर्टिंग किया, उसके वीडियो है, अगर आप नहीं देखे तो वो भी देख सकते हैं। ये अल्टरनेंथ्रा का प्लांट, ये सभी ग्रो हो चुका है, मैं इसे छोटे साइज़ के पॉट में रिपोर्टिंग कर दिया हूँ। यूरांथ्रा प्लांट का जो कटिंग था वो भी अभी बिल्कुल है, हरा भरा है। क्रिसेंथेमम गुलदावरी, ये भी बिल्कुल हेल्दी है। आज फ्रेंड्स मैं आपको बताऊंगा कि आप बालसम के सीडलिंग को कैसे ट्रांसप्लांट करें बड़े साइज के पॉट में। फ्रेंड्स, मैं बालसम का सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने के लिए मैं प्लास्टिक का ग्रोइंग बैग यूज़ कर रहा हूँ। इसे मैंने आपको बताया था बनाने के लिए, ये देखिए इस तरह से आपको मैंने बनाने के लिए बताया था। और ये फ्रेंड्स, ये पॉट के ऐसा है, इसे मैं आपको बनाने के लिए बताऊंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में, इस तरह से आप कैसे बनाएं। इसी में मैं आज ट्रांसप्लांट करूंगा अपने बालसम के सीडलिंग को। इसके लिए मैंने सॉइल मिक्स बनाया है, 60% गार्डन सॉइल, 20% सैंड और 20% काउडंग कंपोस्ट। ये दो प्लांट रिपोर्टिंग करूंगा ग्रोइंग बैग में। ये फ्रेंड्स मेरा दो कलर है, ये वाइट कलर है, ये रेड या ऑरेंज कलर का है। मैं इसे इसमें ट्रांसप्लांट करूंगा। अब मैं इसे फ्रेंड्स इसे पॉट से मैं निकाल लेता हूं। ये देखिए फ्रेंड्स, रूट कितना हेल्दी रूट है, मैं दूसरा भी ले लेता हूं। ये देखिए इसमें भी काफी हेल्दी रूट है। मैं फ्रेंड्स दोनों को एक साथ ग्रो करूंगा, इसलिए मैं थोड़ा सा साइड से मिट्टी हटा देता हूं। ये देखिए दोनों का मैंने हटा दिया, इस तरह से मैं दोनों को ग्रो कर दूंगा एक ही पॉट में। मैं इसमें फ्रेंड्स सॉइल मिक्स भर देता हूँ साइड से। प्लांट को ग्रो करने के बाद आप उसको साइड से दबा दें ताकि सारा एयर गैप्स निकल जाए। ये देखिए ग्रो हो चुका है। मैं इसमें अब पानी डालूंगा। पहली बार जब आप रिपोर्टिंग कर रहे हो तो अपने आप अपने पॉट में अच्छी तरह से वाटरिंग करें, पूरा फुल वाटरिंग करें जब तक ड्रेनेज होल से वाटर ना निकल जाए। देखिए यहाँ ड्रेनेज होल से वाटर भी आने लगा, पानी भी बहने लगा। इसे आप फ्रेंड्स डायरेक्ट आप सन में नहीं रखें अभी, क्योंकि ये प्लांट अभी स्टॉक में है, तो अभी डायरेक्ट नहीं रखें सन में। और इसे कुछ दिन तक, एक से दो दिन तक आप शेड में रखें, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके आप इसे बाहर कर सकते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं है। 1 वीक के बाद आप बाहर करिए सन फुल धूप में। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बाय फ्रेंड्स।